biggest city of India. In fact, one of the largest cities in the world is Bombay, now called Mumbai. Located on the western coast of India, next to the Arabian Sea. It's a city of hustle bustle, always busy. It is also a city of migrants. Millions of people come into the city all the time. If you have come here, the guy who drove you here, the auto rickshaws, the taxi drivers, the plumbers, the carpenters, everybody is a migrant. Within the hustle bustle of the modern mega metropolis, there still remains a traditional fishing community. The community goes by the name Koli. Years ago, when Mumbai was still Bombay, the fishing community owned most of the land and their sea-going fishing vessels dotted the coastlines. It is extraordinary that in this city of immigrants, a traditional fishing community has actually survived and continues to pursue their traditional livelihood. Another striking thing is the roles that women play in keeping the Koli tradition of fishing alive. Women do not usually go out to the sea to catch fish, but much of the rest of the work, sorting the catch, cleaning them, drying and packing, and selling the fresh catch in the local markets, is women's job. One can say that without women, Mumbai's fishing industry would not survive even for a day. देख सुबह उठता है 3 बजे उठता है 5 बजे इधर आता है हम लोग काम करने के लिए पूरा धूप में काम करता है नहीं करेगा तो खाने को कुछ मिलेगा नहीं हमको मिलता है नहीं मिलता है जब भी 10 साल से हुई थी तभी से चालू किया है 30 साल हो गया इधर मेरे को सुबह हम लोग 3 बजे उठता है फिर उसके बाद मच्छी लेने के लिए जाता है उधर से भाग भाग के मच्छी लेके आने का फिर इधर आने का इधर सब अलग करने का उसके बाद बेचने का पूरा दिक्कत आता है क्या करेगा करना पड़ता है कोई नहीं काम करने के लिए करना पड़ता है हम लोग का ऐसा धूप में बोट जाएगा बाहर आज जाएगा तो परसों मच्छी आएगा तभी मच्छी आएगा तभी करता है ये ऐसा ही हम लोग पूरा दिन ऐसा ही काम करता है मच्छी लाके इधर काम करने का रहता है घर पे जाने घर पे जाके घर का काम करता है सुबह में उठ के यही मच्छी खरीदने का फिर लेके आने का बेचने का उसमें ही हम लोग का दिन जाता है पूरा घर पे जाके मैं काम पे जाती हूँ 4 बजे बर्तन घसने के लिए झाड़ू कट करने के लिए 6 बजे आती हूँ काम पे से फिर आने के बाद पानी भरने के लिए नल आता है फिर पानी भरो खाना बनाओ तो बस 10 बज जाता है अभी रात को जाता है कभी 8 बजे 9 बजे 7 बजे 10 बजे ऐसा ये क्या बेचेगा अभी सुकर डालेगा
व्यापारी लोग को देगा, सुखाएगा तभी। कितना धूप में मरना मांगता है हमको। मार्केट में लेके जाता है, इधर कुलाब में, मार्केट में, मलार में। डीजल कितना महंगा हो गया मालूम है, हमको कुछ भक्ता नहीं है। सब मच्छी है, रावस है, झींगा है, पापलेट है, सुरमई, सब मच्छी रहता है हम लोग के पास। देख कभी मंदेली आता है तो कभी बोम्बिल, ऐसा कुट्टा आता है, कुट्टा आएगा तो ये व्यापारी लोग को देता है हम लोग। ये इससे खून निकलता है, ये देख, जिंदा रह के भी काटता है और मर के भी काटता है हमको। कभी बिना भी खाने से रहता है हम लोग, क्या करेगा। आज सुबह से क्या उपास है, चाय पिया है बस, खाली कुछ नहीं खाया, ऐसा ही रहता है। रात को खाएगा 10 बजे, क्या करेगा। देगा थोड़ा भगवान, कभी आज देगा कभी कल देगा, करना पड़ता है। मिलेगा कभी भी, थोड़ा थोड़ा मिलता है, पेट भरता है बस, थोड़ा थोड़ा ऐसा। घर का रूम का भाड़ा देने का रहता है, लाइट का भाड़ा देने का रहता है, नल का पैसा देना रहता है, क्या करेगा, करना पड़ता है। One of the problems that the fishing women of Mumbai are facing today, surprisingly, is from e-commerce. So people sit at home and they order online and the fish gets delivered to their homes. This is causing a little bit of problem for many women. And some of them complain to us bitterly about e-commerce. बिग बाजार वाले, वो नेचुरल बास्केट वाले, उन लोग ने तो पूरा हम लोग का धंधा बिठा दिया है। हम लोग क्या सुबह सुबह ग्राहक लोगों को मिल जाता, हम लोग का क्या 11 बजे मार्केट खुल जाता, तो इधर कोई आता ही नहीं। कम है थोड़ा धंधा, बहुत कम है। 2 साल से पहला अच्छा था, अभी अगले साल से बहुत कम है धंधा। सही चलता नहीं, कभी ज्यादा आता है कभी नहीं आता है, कितना घाटा पड़ता है। चलो मैं 3,000 का लाई के 5,000 का लाई, अभी वो बेचते बेचते उसमें से आप मेरे को 150 रुपया नहीं मिला, तो मेरा तो नुकसान ही हो गया ना। ऐसा नहीं है अभी, अभी हमने कुछ भी नहीं रहे तो बेचा, अभी एक मच्छी 3-4 दिन बेचना पड़ता है हम लोग को। नहीं दुखी तो नहीं है, थोड़ा ऐसा थोड़ा कम ज्यादा उम्मीद होता है ऐसा। धंधा क्या करेगा, धंधे में करना पड़ता है, मिलेगा अगर नहीं मिलेगा करना ही पड़ता है। धंधे में तो तकलीफ तो सबको ही होता है, ज्यादा टेंशन तो धंधे वाले को ही रहता है ना। क्या करेगा, करना मांगता है, नहीं करेगा तो पेट नहीं भरता हमारा, मालूम है तुमको। अब बस हो गया, चलो। Not everything is going well for women. However, most women, whether from a better off family or poorer, experience the social evils like drunkenness of husbands, domestic violence, and so on. Let us hear what they say about their own lives. शादी हो के दो तीन साल हो गए, पर मैं एक ही बार उधर नहीं रही, खाली ऐसा ही छोड़ दिया मेरे को। झगड़ा कर करके थी, बहुत डांटती थी।
मेरा हस्बैंड ने मर के 15 साल हो गए। हमारा मर्द जा सकता नहीं है, बुढ़ा हो गया ने, कैसा जाएगा? इसका पांव भी दुखता है। Mumbai is also a city of great contrasts. Here one can find some of the richest people on earth. Yet there are people who are extremely poor and suffering. A thin dividing line seems to separate the land from the sea and the tin plastic town from the skyscrapers in this metropolis. Standing on that dividing line is the Koli community. Some fishing families have become exceptionally rich, whereas the others have not done well at all. Again, there are many women from recently migrated communities who take part in the fishing industry. They are the poorest. हम लोग अंगूठा साहब है, मेरा माँ बाप के पास पढ़ाने का औकात नहीं था, इसके लिए हम लोग पढ़ा नहीं है। 12-13 साल की थी तभी से मच्छी का बिजनेस चालू हो गया। 50 साल से बेचता है, हम 65 वर्ष का है। हम लोग हमारे ये समझो जन्म से यही धंधा हम लोग का है ना, बाप दादा करते थे, उसके बाद हम लोग करने लगे। कितनी पीढ़ी चली गई हमारी, कैसा भी करता है पेट भरने के लिए, करना मांगता है, नहीं तो कोई देगा अपने को? कोई नहीं दोनों को देगा। फिशिंग कीप्स मुंबई'स ट्रेडिशन अलाइव, but who looks after the industry? Women and men whom we met complained of neglect by the government. In a fast-growing metropolis like Mumbai, who has the time and interest to care for a traditional way of life? शासन ने हमारे ऊपर अगर ख्याल नहीं किया तो खाएगा क्या? हम लोग का भी मच्छी सुखाता है वो, जैसा खेती का ये जाता वैसा हमारा भी ये जाता है ना खाने के लिए, पूरे महाराष्ट्र में इंडिया में जाता है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट भी करता है, गवर्नमेंट को उससे फायदा भी है जो मच्छी यहाँ का एक्सपोर्ट करता है उससे, लेकिन हमारे ऊपर ख्याल नहीं देता है बराबर। खेती वाले के ऊपर बराबर मराठा वाड़ा में इधर महाराष्ट्र में ख्याल देते हैं, दूसरा स्टेट में देते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ख्याल शासन बराबर नहीं देता है। मछली अभी यही मिलता है, अभी ये हाँ ठंडी हो गया तो मच्छी नहीं मिलता है, ऐसा ही बोट खड़ा रहता है। अभी किधर से हम लोग खाएगा? हम लोग को उस टाइम आप क्या करते? क्या करेगा, घर में बैठता है, खाने के लिए पैसा मांगता है ना, किधर से? हम लोग को क्या सरकार देता है? कुछ नहीं देता है, खेती वाले को देता है, हम लोग को नहीं देता है, नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता गवर्नमेंट के पास से हम लोग को, मच्छी वाले को। अभी डॉक्टर के पास जाके एक इंजेक्शन लगाएगा, आएगा, हमारे पास क्या पैसा है तो जाएगा हॉस्पिटल में रहेगा। खुद ऐसा ही जाता है डॉक्टर के पास किधर भी, वैसे खेती वाले को देते हैं, वैसे मच्छी वाले को कुछ नहीं हेल्प करते वो लोग। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते तो हमारा खुद का पैसा भरना पड़ता है। वो हमारे खुद के पैसे से दवा लाने का और किसी जाने का। अभी क्या मालूम क्यों ऐसा करता है वो लोग, तो वो लोग का ये है अपना, उनके अपना मराठवाड़े का खासदार है वो लोग का, आमदार है वो लोग का, मंत्री है वो लोग का, हमारा कौन है कोली में? इसलिए हम लोग आगे जा नहीं पाते।
मछली पकड़ने का जो आपका धंधा है, अच्छा लगता है आपका? अभी क्या करेगा, अभी इसी के ऊपर हमारा पेट है। धंधा होएगा नहीं होगा तो हम लोग किधर से भी करके पैसा नौकर लोग को देता है। दूसरा कोई मतलब बिजनेस ही नहीं हम लोग का, यही बिजनेस, दूसरा बिजनेस ही नहीं। क्या चलो दूसरा बिजनेस है तो दूसरा कुछ करे, वैसा कुछ भी नहीं। नौकरी ही नहीं तो खाएंगे क्या हम लोग, ऐसा है ना, मजबूरी से करते ही है धंधा। हम लोग को भी मच्छी खाने को मिलता है और बेचने को भी मिलता है मच्छी। जो भी कुछ कमाई उसमें हो गई वो हो गई, ऐसा कोई कुछ नहीं करता है, मैं खुद सरकार हूँ। जब भगवान ऊपर वाला है, आज तक लगता तो ऊपर वाला ने मदद किया है तो आगे भी थोड़ा करेगा ना। किसी का बुरा तो नहीं सोचता भगवान, हमारा बुरा नहीं सोचेगा ना। The Fish Festival of Mumbai is a famous celebration of fishing by the Koli community. It is also a celebration of the fact that this community is an integral part of this metropolitan city. And fishing women, dressed up in their best saris and jewelries, cook and sell fish to thousands of eager customers in rows of stalls. Glimpses into the lives of fishing women of Mumbai seem to tell a sad tale. But if one thinks about them, the stories that women told us actually show their extraordinary resilience and survival against all odds. These stories show how women build fishing communities and support families. These stories also show a different side of the mega metropolis of Mumbai. These women, their lives and their stories of happiness and laughter offer inspiration to many of us.